सो गाइस, अब हम जा रहे हैं ऊपर अपना घर देखने. न्यू हाउस टूर. सो गाइस, दरवाजा ओपन हो गया है. और अभी हम यहाँ पे आए. ओ ये देखें, ये मोबाइल का कवर पड़ा हुआ है अभी तक यहाँ पे. ये है आईफोन 13 प्रो मैक्स का. सो भाई अब 15 प्रो मैक्स आ गया है, तो इसकी हालत तो यही होनी थी. पर पता नहीं मुझे यहाँ कौन रख के गया है, किसी को मैं दे देती. सो यहाँ बच्चों के खिलौने पड़े हुए हैं. चलो मैं एंट्रेंस दिखाती हूँ कैसे है. ये है लुक. और यहाँ पे जो है ना, कपड़ों वाली पेटियाँ पड़ी हुई हैं और पुराने सामान पड़े हुए हैं सारे. और ये स्टैंड फैन जो अभी काम आएगा सोलर में. ये भी पेटी है, ये भी. और ये हमारा साथी सर्दियों का हीटर. और ये व्हील चेयर, अम्मा तो नहीं रही, अम्मा की व्हील चेयर अभी तक पड़ी है. और ये हमारा इतना खूबसूरत रूम हुआ करता था. और ये बारिश और जो सैलाब आया था ना, उसकी वजह से हमारे लाड़काना में इतनी बारिशें हुई थी कि मतलब हद थी. 24 घंटे बारिश चल रही थी. तो जो हमारा ये पूरा ऊपर वाला पोर्शन है ना, वो सारा ख़राब हो चुका है. जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे बचपन की टीवी है. और ये वाली जो टीवी है ना, हमारे अब्बू लोगों के बचपन की है. सही है. और ये पुराने दौर का जो है ओवन. और क्या है. और ये सारा रूम जो है ना, सामान में भरा पड़ा हुआ है सारा. ये हमारी टेबल. इसके अलावा ये ऑक्सीजन मशीन और बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे. गाइस, आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, सिर्फ फ्रूट चाट बनाई है. क्योंकि आज मैंने सोचा कि आज किचन से कर लेते हैं छुट्टी. तो इंशाल्लाह कल से हम कुछ ना कुछ और बनाएंगे. और भाई, पकोड़े समोसे हम पे फ़र्ज़ नहीं है, ये हमने खुद फ़र्ज़ किए हैं. तो मैं आज अपना फ़र्ज़ बिल्कुल भी नहीं निभाने वाली हूँ. सो गाइस, यहाँ पे जो है इफ्तारी डन हो गई है. इफ्तार के लिए मैं टेबल सजा रही थी, तो आज भी मैंने आबे जमजम और खजूर निकाल के रखी हैं. सो ये रहा हमारे आबे जमजम और ये रही हमारी अजवा खजूर. और यहाँ पे भाई आ जाइए, हमारे यहाँ इफ्तार. और यहाँ पे आए चने, शामिया, इसके अलावा ये है मैक्रोनी और ये चिकन ड्रम स्टिक्स. और यहाँ पे है दही बड़े. और हमने बनाई है ये पखी वाला, पता नहीं कौन सा है, सालन होता है वो बना है. और यहाँ पे बनी है कढ़ाई और फ्रूट चाट बनी है. सो अभी हम चलते हैं किचन में, जो राही सुई बची कुसी कसर है वो पूरी करके आते हैं. सो ये सो गाइस, ये जो है ना दही बड़े हमारे पास आए थे. और हफ्सा जो है इनको डेकोरेट कर रही है. और अब इसमें जाएगा चाट मसाला. भाई अभी दोबारा से इफ्तारी आई है. और देखते हैं कि अभी क्या आई है. सो भाई, ये भी मेरी सिस्टर की फ्रेंड के घर से आई है. और सेम इफ्तारी आई है, जो वहाँ से आई है वही आज यहाँ से आई है. और मेरी मम्मा कह रही थी कि फ्रूट चाट क्रीम वाली रोज क्यों बनाती हो, तो फाइनली ये वाली फ्रूट चाट आ गई. तो बस ये सारी टेबल फुल हो गई है. और दोबारा से हम यहाँ पे रखते हैं. और इफ्तारी करने में सिर्फ 3 मिनट रहते हैं. तो भाई हम जल्दी से यहाँ पे बैठते हैं और दुआएं मांगते हैं. और अब हम करने लगे हैं इफ्तार, क्योंकि इफ्तार में सिर्फ 1 मिनट बच गया है और टेबल हमारा सारा सेट हो गया है. और अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाकिफ के साथ इफ्तारी हो गई. किचन में चाय बनाने के लिए सबसे पहले दूध निकालेंगे. और पता नहीं रमज़ान कैसे गुजर रहा है, इतना जल्दी से गुजर रहा है. मतलब कल ही तो पहला रोज़ा था और आज हम 10वां रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह. मतलब के दिन इतने जल्दी से गुजर रहे हैं. ये सहरी इफ्तार की रौनक है, ये हर चीज़ की टाइमिंग चेंज हो गई. बस
इतनी खुशी होती है रमजान के आने की, और जैसे ही पहला अशरा ख़त्म हो रहा है तो मेरा दिल उदास हो रहा है। बस अल्लाह पाक ज़िंदगी रहे तो बार बार हमें रमज़ान की सआदत नसीब करे, क्योंकि रमज़ान तो आएगा, हम होंगे या नहीं ये तो पता नहीं है, रमज़ान ने तो आना ही है, बस हमारी ज़िंदगियों का पता नहीं। अल्लाह पाक सबकी दिल की नेक जायज़ तमन्नाएं पूरी करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो चलते हैं शाम की चाय बनाने की तरफ। और मेरी सिस ने यहाँ सारा किचन क्लीन कर लिया इफ्तारी के बाद, और कुछ चीज़ें हैं जो हम रात को फ्राई करेंगे तो वो फ्राई वाली चीज़ें यहाँ पे रख दी गई हैं, क्योंकि विंग्स बनाने हैं, क्योंकि विंग्स उस टाइम जो थे वो बिल्कुल फ्रीज थे, तो मैंने सोचा इनको निकाल के रखती हूँ, सो रात को बनाएंगे। सो मैं अभी यहाँ बस चाय रखती हूँ, क्योंकि टाइम तो चाय का ही है सबको, जैसे कि नीड हो चुकी है चाय की, ये एक मर्ज है हमारा। तो बस यहाँ पे दूध भी बॉयल होगा और चाय भी बनेंगे। और आप बताएं, आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में, और सब कैसे हैं, आपके यहाँ ईद की शॉपिंग की है या नहीं की है। मैंने तो ईद के लिए कुछ भी अभी तक नहीं लिया है, जो सोच रही हूँ वो सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक होता जा रहा है। तो मैं आप सबके साथ अपनी ईद की शॉपिंग भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह लास्ट अशरे में। सो हम शॉपिंग करेंगे तो लास्ट अशरे में करेंगे, क्योंकि पहला अशरा तो गुजर गया, अब दूसरा भी जैसे गुजर ही जाएगा वो पता नहीं चलेगा, तो थर्ड अशरे में हम अपनी तैयारियां करेंगे इंशाल्लाह। सो गाइज यहाँ पे चाय रेडी हो चुकी है, सो अब मैं कप्स में डालूंगी और फिर हम चलेंगे अंदर की तरफ। सो हम अपना व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, ये बिल्कुल छोटू सा व्लॉग था, और पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन अभी से दबा दें। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइज ये हमारी सहरी भी हो चुकी है डन, और सहरी करेंगे और अपने व्लॉग को एंड करेंगे। होप सो आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।